आप कह रहे हो जी मैंने बिल वापसी ले लिए, मेरा मन साफ है और मैं मतलब जो पूरा वो हूँ, अरे तो एक साल में भले आदमी तुझे शर्म आनी चाहिए, कहना नहीं चाहिए देश के प्रधानमंत्री, हमारे शब्द हमारे मुँह से अच्छे नहीं लगते हैं। अरे उस माँ से पूछो जाकर जिसका बेटा इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर शहीद होगा और उसका पति इस आंदोलन में यहाँ बॉर्डर पर शहीद होगा, उस माँ से पूछो ना जाके उसकी संवेदना क्या है। बात करी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्त में, भाई जो किसान शहीद हुए उन्हें किसान का दर्जा मिलेगा, शहीदी का दर्जा मिलेगा उन्हें, उनके परिवार की जिम्मेदारी लेते हम भैया, ये बिल वापसी लिए अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लिए हैं। और किसान देश की जनता जान चुकी है ये पीछे नहीं हटेगी, MSP गारंटी कानून, जितने हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके परिवारों की जिम्मेदारी, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी, 1-1 करोड़ रुपये, और जो बिल और आ रहे हैं बिजली अमेंडमेंट बिल जो आ रहा वो हटे, सीड बिल आ रहा वो हटे, मतलब देश को लूटने में लग गए हैं। बताओ दो जानवर रखने पे कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा गांव में भैया, दो भैंस गाय हैं, दो भैंस तो आदमी वैसी रखे, एक लात जा भी एक दूध देगी, एक लात जाए दूसरी दूध देगी, प्रैक्टिकल सी चीज़ है। अब आगे क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाह रहे ये सरकार जो बैठी है, जो प्रधानमंत्री ने वादे करे आज तक वो सारे उनका उल्टा हुआ। जब ये सत्ता से बाहर थे देश में कांग्रेस राज करती थी तो कांग्रेस को चोर बता कर ये गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए, और इन्होंने एक कमेटी बनाई ही, उस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी, उसके अध्यक्ष थे उस समय मोदी जी, और इन्होंने कहा भाई ये जो MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए, एक फाइल बनी उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करे करे, इन्होंने वो फाइल वहाँ भेजी अध्यक्षता में, नुकजी किसान को MSP गारंटी कानून वो कानून बनना चाहिए और ये सही है, इन्होंने खुद ने फाइल भेजी, आज ये खुद उसके जज बन गए, खुद प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या दिक्कत है इसमें बनाने में, तुम्हारे प्रस्ताव है तुमने ही भेजा है, जब उस समय सही था अब गलत कैसे, हम बता दें प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री के फैसले से कई लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे कंगना है। कंगना है कौन? अच्छा फिल्म बनाती है। अच्छा मैं कंगना पंगना नहीं जानता, मैं तो देश के किसान को जानता हूँ, देश के युवाओं को जानता हूँ जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, देश की जो आज देश का वातावरण है, आज दिल्ली में बताओ कितना पॉल्यूशन है, इन्हें हर साल पॉल्यूशन की समस्या रहती है देश में, हर साल बड़े बड़े बजट बनते हैं यमुना की सफाई के लिए, गंगा की सफाई के लिए, और जब इनके सिर पर ठीकरा फूट जावे जब एक दूसरे पर आरोप लगावे, अभी पीछे छठ पूजा आई हमारी, यमुना नदी में 1500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करे, स्टेट गवर्नमेंट ने साफ करे, अरविंद केजरीवाल ने भी स्टेटमेंट दिया उसमें भाई यमुना नदी इतनी स्वच्छ हो जाएगी, बहुत स्वच्छ हो जाएगी, और जब वो त्यौहार आया, जब उस त्यौहार पर छठ पूजा पे वहाँ जहरीला झाग इतना यमुना नदी में आया था, वहाँ उसमें बढ़ने तक की दिक्कत ही बताओ, और उसमें 1500 करोड़ रुपये कहाँ गए भी पैसे, वो ये देश की जनता के पैसे हैं, ये सरकार के पैसे नहीं है। लेकिन सरकार प्रधानमंत्री माफ़ी मांग लिए, आप तो चले जाना चाहिए ना, आप तो उनकी बात। अरे माफी मांगे उस मासू जिसने अपना बेटा वहाँ शहीद कर दिया बॉर्डर पे, माफी मांगे उस मासू जिसने अपना पति आंदोलन में शहीद होगा उसका, बात करिए एक बार प्रधानमंत्री ने उसके लिए बोला प्रधानमंत्री जी एक बार, अरे उसका जी तो पूछो जाके, आज एक साल होगा कि देश का किसान बैठा है, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी उल्टे सीधे शब्द आंदोलन जीवी कहा गया है, इन लोगों की मानवता मरी पड़ी है, इनकी कुर्सी घेरे में आ गई तो बिल वापसी ले लिए, अभी इस देश में ऐसा नहीं चलेगा, देश की जनता युवा जो जागरूक है, प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने कहा भाई 71 रुपये पेट्रोल है कांग्रेस सरकार में, मैं प्रधानमंत्री बना तो 35 रुपये पे ले आऊंगा, कहाँ चलेगा पेट्रोल के दाम बताओ आज, 108 से ऊपर चले गए, डीजल के दाम कहाँ चलेगा बताओ, CNG जो गैस सिलेंडर है, भरोसा क्यों खत्म हुआ प्रधानमंत्री से, झूठ पे झूठ गए ना, इन्होंने कहा भाई देश को बहुत बड़ा काला धन स्विस बैंक में बंद है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा सारा वापसी आ जाएगा और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, और 15 लाख रुपए आए किसी खाते में, 15 लाख छोड़ो, जो देश को काला धन स्विस बैंक में बंद हो ना, आज वो धन गायब है, वहीं खा गया पता ना कहाँ चलेगा, वो उसके बारे में कोई बात ना कर दो ना प्रधानमंत्री ना कोई और नेता बीजेपी के, वो सारा गायब होगा वो काला धन, अब कहाँ गए भाई, अब क्यों नहीं बोलते उस पर, ये झूठे लोग आए, झूठे एक्टर है, अभी तुम बात कर रहे हो ना एक्टिंग करेंगे कंगना, ये वासु बड़े एक्टर हैं, ये झूठ बोल बोल कर देश में बैठ गए, ये गुजराती ठग है, पूरा देश ठग लिया इन्होंने, इन्होंने कहा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, आज बताओ ना क्या चीज में बेच रहे हैं, रेल इन्होंने बेच दी, बंदरगाह इन्होंने बेच दिए, कभी अडानी कभी किसे बेच दिए हैं, देश में कानून नहीं है, वहां ने सेलो बना ली, बड़ी बड़ी मंडी बना ली बिना कानून के अडानी ने, ये बताइए आपने कहा कि इतना धोखा दिया, झूठ बोले, जनता भारत की इतनी भोली है भैया, सुनो ये देश बहुत बड़ा देश है, और मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कब्जे में है वो ऐसी फिल्म बनावे, सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जा रहा है, वो कभी कुछ दिखाते जो ये चाहते वो दिखाते, बस इनको IT सेल बहुत बड़ा है, इन्होंने प्रधानमंत्री को इंसान ना छोड़कर भगवान बना रखा है, जो गोदी मीडिया वाले भैया भगवान है, ऐसा समझो शिव जी का दूसरा अवतार है, ये जो कर देगा सही है, बस
जनता की आंखों पे से जो पट्टी ना हट गई है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पता लग गई है, ये निकाले झूठ बोलने वाले सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही, वो आतंकवादी, मतलब इनके खिलाफ जो बोलेगा वो तो चोर डकैत है। तब इनसे बड़ा डकैत कौन बताओ हमें? एक साल पहले आप ही भगवान मानते थे मोदी जी। अजी हमने ना माना, हम तो एक बार गलतफहमी में आ गए बस। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ है, हमारे किसानों के बेटे जो जवान शहीद हुए, वो भावना है देश में ऐसी जगी भाई ठीक है, देश हित का मामला है, सब देश से प्यार करते, राष्ट्र को सर्व ही मानते, देश का संविधान सभी मानते। इन्होंने तो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया है। अरे जब देश में कानून नहीं था भंडारण सीमा लिमिटेड का, तो अडानी ने इतने बड़े गोदाम मंडी कैसे बना ली हमें बताओ? लेकिन जब कानून ही नहीं था, ये मिली भक्ति, ये तो अडानी के सारे काम कर रहे हैं। मीडिया खुश नहीं है कानून वापस के बाद, प्रधानमंत्री से नाराज है। बे मीडिया की रोटी तो नाराजगी की तो उनकी तो रोटी बंद हो रही है ना मीडिया की भाई, उन्हें तो पैसा आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तारीफ करनी है। प्रधानमंत्री गलत करे तो अभी जी बढ़िया कर दिया मोदी ने, सही करे तो अभी बढ़िया कर दिया, वने तो गीत गाने अपना होता है बाजे वाले बिहार में नाम है, वने तो बाजा बजाना पैसा लेने बस मीडिया तो गोदी मीडिया और कुछ ना, वने गलत बजा सही तो शोर मचाना बस ये है। जो मैंने पूछा था कि क्या भारत की जनता इतनी भोली है? भैया हमारा देश बहुत अच्छा देश है और अपने आप में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ, डेमोक्रेसी सिस्टम हमारा इतना अच्छा है, अलग अलग बरादरी अलग जाति के लोग, और फिर भी अलग अलग त्यौहार हम सब मिलकर मनाते, इतना प्यार आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और फिर इन लोगों ने तोड़ने काम करा ना, इन्होंने जब अंग्रेज इस देश में आए उन्होंने यही काम करा भाई तोड़ो इन्हें राज करो। वो तो आपने इतिहास पढ़ा, वही नीति इन्होंने अपना ली भाई। हमारे बड़े बूढ़े सूदे आदमी गोवन के आदमी अच्छा। वो राजनीति में इतने इंटरेस्ट कौन ले हुए, मैंने तो अपना खेती करनी अपना करना ठीक है भाई, किसी ने कह दिया मोदी आ रहा है, हम युवा की तो बुद्धि मारी गई ही। बड़े क्या कह रहे, हमारे बड़े बूढ़े ने मना करा भाई इन्हें वोट मत दीजिए, ये तो हम ना माने वाला टाइम पे भाई मोदी है देश के लिए अच्छा करेगा, गुजरात मॉडल लाएगा, ये करेगा वो करेगा हैं, यानी तो पूरा देश को बेड़ा गर्क कर दिया यानी। आज देश की जीडीपी ग्रोथ बताओ कहाँ है, तुम्हारे माध्यम से कह रहा हूँ, देश में रोजगार बताओ कहाँ है। जिस कांग्रेस को ये चोर कह रहे उस कांग्रेस ने 165 रुपये कच्चा तेल बैरल खरीद गए, 71 रुपये से ऊपर पेट्रोल बेगन दे देश में। अगर वो इतने भ्रष्ट होते हुए भी 165 रुपये खरीद के 71 रुपये में देश की जनता पेट्रोल दिया तो तुम तो ईमानदार है। तुमने 13 रुपये आया तुम्हारे राज्य में, 13 रुपये कच्चा तेल खरीद कर तुम 100 से ऊपर बेच रहे हो, तो तुम खुद आइडिया लगा लो ये कितने बड़े ईमानदार कितने बड़े ठग हैं बीजेपी वाले। मोदी जी ने तो चाइना को भी डरा दिया है जी, आप उस पे क्या कहेंगे? डेली चाइना को देख रहे तुम, हल्का हो रहा है, मीडिया दिखा को नहीं है, वहाँ जाकर हमारे जवान भाई ने पूछो ना। मैं तो मान जाऊंगा जितने मंत्री हैं बीजेपी के, जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं, ये सारे अपने लड़का ने कंपलसरी करे फौज में रहना और चाइना के बॉर्डर पर लगा हुए, जब पता लगा कि चाइना की स्थिति क्या है बॉर्डर की असली। जितने भी मंत्री हैं ये सारे अपने बालकन ने फौज में भेजे, चाहे भेजे एक साल को हम बता देंगे तो ना सारे समस्या समाधान हो जावे भाई। इनकी तानाशाही चल रही है देश में और ये भूले बैठे डेमोक्रेसी सिस्टम है, जो चीज़ जितनी तेजी से हुई उतनी तेजी से जावे, जो चीज गई है वो बढ़ के गई है, ये डेमोक्रेसी सिस्टम है, यहाँ वोट का अधिकार अपने मत का अधिकार है। अरे प्रधानमंत्री और शक्तिशाली है, अरे शक्तिशाली की बात बता रहे हम, यहाँ कमजोर कोई ना गया, जो गया बढ़ गया, हिटलर से कोई सही, सब शक्तिशाली गए, यहाँ कमजोर कोई ना गया, कमजोर तो अपने नीचे झुके गुजारा कर ले, जो गया ताकतवरी गया इस देश से, कमजोर कोई ना गया। पाकिस्तान दाढ़ी से डर जाता है ना प्रधान, अजी पाकिस्तान डर लिया दाढ़ी से, पाकिस्तान की औकात का हमारे सामने देश से पहले तो नहीं बताओ है, कहा पाकिस्तान हमारे सामने जब मर्जी, जब पाकिस्तान का तो नामो निशान मिट जाएगा 10 मिनट में, तभी खाम की पाकिस्तान है, पाकिस्तान है का सौदा पाकिस्तान पे लेना, पाकिस्तान अपनी जनता पाल लो, भारतीय जनता को उन्हीं के नाम पे डरा जाता है। को यार कैसी बात कर रहे हो, ये देश भारत देश है, ये 125 करोड़ देशवासियों का देश है, ये अलग अलग धर्म अलग अलग जाति फिर भी हम एक है, कई देश की अगर कोई बात आ जा पूरे भारतवासी एक सुर में बोले। पुलवामा अटैक हुआ है वो आज तक ये जांच में बता नहीं पाए, इतना किलो आइडियस कहाँ से आया, वो कहाँ तक सैनिकों के पास पहुंचा, वो जांच सारी अधूरी पड़ी है। जब समय आएगा बोर्ड के माध्यम से इन गद्दी से हटाया जाएगा, इसीलिए बिल वापसी हुए। डेमोक्रेसी सिस्टम बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान मजदूर युवा महिला जो देश की जनता से राजा बनता है, ये इन्हें बात समझ में आ गई है। अगर ये लोग वोट नहीं देंगे तुम गद्दी पर नहीं बैठोगे, हारे जाओगे, इसीलिए बिल वापसी हुए। घर कब जा रहे हैं? घर जब जाएंगे, जब सारी मांग मान ली जाएगी, ये भी तो हमारा घर ही है, लगा देखो कितना प्यारा गांव बस रहा, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, कोई मुरादाबाद का, कोई गौतम बुद्ध नगर का, कोई मेरठ का, अरे कोई पंजाब सू, कोई गुजरात सू, अरे बड़ा बड़ा मजा आ रहा है। आप आंदोलन में आए थे तो आपको मावा खाने के लिए किसने बोला? मतलब हम ही पैदा कर हम ही ना खावे, ये कौन सी बात है, भैंस हमारी दूध हमारा मावा हम मुने, खाएगा कौन, मोदी खाएगा है? अरे हमारी भैंस हमारा दूध हम खून हमरे मावा हम बना तो खाएंगे भी हम ही खून खाएगा। ये लोग अपनी जिद पे अड़े रहे,
इन्होंने देखा भाई किसान मानने वाला नहीं है और तुम्हारा नुकसान होने वाला है। उपचुनाव में ये इन्हें पता लगा तुम्हारी जनता में कितनी पकड़ रह रही है कि तुम कितने मजबूत हो जनता के अंदर, और इन्होंने सर्वे करवाया अपना, पांच राज्यों में चुनाव है और ये पांचों के पांचों राज्य हार रहे हैं। तो इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्यों, अगर पांच बड़े प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जो ये बड़े प्रदेश है, इन्हें ये लगा भाई यहाँ से हार गए तो राज्यसभा में तुम्हारा बहुमत नहीं रहेगा, जो तुम और उल्टे सीधे बिल लाने वाले हो वो नहीं बना पाओगे और किसान जो है वो जाएगा नहीं। तो इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए बिल वापसी करे घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने, भाई मैं बिल वापसी ले रहा हूँ। कुछ लोग किसानों को समझा नहीं पाया भाई, प्रधानमंत्री जी जब संसद में तुम जीवी कह रहे, आंदोलन जीवी कह रहे हैं, पर जीवी कह रहे हैं, आप ये भूल गए देश को आज़ादी कराने में कितने आंदोलन हुए, आपने तो देश के महापुरुषों तक ऊपर सवाल खड़े कर दिए।